तीन महीने पिता की मौत तो बाद सराबे का जन्म होया। इहदी मां ने छाती नाल ला के पालिया। करतार सिंह का दादा बदन सिंह बुढ़ा वह जिउंदा सी, उन्हें अपने पुत्र करतार की अग नाल ठंडा किया। जिहड़ा मैंगल पुत मर गया सी ना बाप बदन सिंह का, मैंगल सिंह की अग्नि करतार सिंह नूं छाती नाल ला के दादे बदन सिंह ने ठंडी की, पर पाल पाल के करतार सिंह नूं जवान करना चाहे। अंतर की सी, इक उदों पिंडां च पढ़ाई स्कूल हुंदे नहीं सी, जिवें साडा शहर है बरेटा, इहदे विच वी उदों दसवीं दा स्कूल नहीं होना, प्राइमरी होऊगा। यानी यह गल है तकरीबन 1907 शुरू होया सी, अज तो 90 साल पहले। करतार सिंह नूं दादा बदन सिंह ने जोधा मसूरां च पंजवीं दा स्कूल सी प्राइमरी, उत्थे पढ़न लाया। कम तो कम 6 मील, सैकल भी नहीं हुंदे सी उदों, पैदल तुर के बच्चे ने 5 मील जाना 5 आना। करतार सिंह नूं 5वीं पढ़ा के दादे बदन सिंह ने सोचिया 10वीं जमात लुधियाने करावां। 6वीं च लुधियाने लाया, लुधियाने 10वीं तक, 9वीं तो बाद 10वीं दे विचकार रोकता। की कहिंदा दादा? कहिंदा ओए पुत्तर करतार सिंह, पिता तेरा मर गया, तेरी मां रह गई, मैं दादा रह गया। ओए पुत्रा, तेरी भैन धनकुर ते तो बड़ी है, 3 साल बड़ी सी धनकुर, सराबे दी भैन, ए तेरी भैन दी शादी करनी है, तेरी करनी है, मैं ता बेटा हल नहीं बाह सकदा, मैं तेनू पढ़ा के बीए एमए तालीम दे के उन्ना चिर नू मेरी मौत हो जू, मैं तो हल नहीं बाहींदा। सराबा करतार सिंह कहिंदा, दादा जी फिर हुक्म दिओ, मेरे तुसी रब हो, मैनू पालिया मेरे भगवान तुसी हो, हुक्म दिओ की करां। दादा कहिंदा अमरीका नू तुर जा, उदों पासपोर्ट नहीं बनते हुंदे सी, बंदा एवें ही चढ़ जांदा। अमरीका नू तोरता दादे बदन सिंह ने 1913 नू, अज तो 77 साल पहला अमरीका च पहुँच गया। उत्थे फैक्ट्रियां, बंदे की बड़ी लोड़ अज भी है। किसी फैक्ट्री च 2 महीने ड्यूटी दित्ती, $200 कमाया, यानी 3200-3300 रुपया कमाई च बड़ा शौक जाग गया। लम्मा जा कद, सोहनी जी शक्ल, फैक्ट्री वाले बड़े खुश भई बच्चा होण हार मोती है एक। उन्हूं कोई पंजाबी मिलिया, उन्हें दस्या भई करतार सिंह एक होर चीज़ है भाई, नौकरियां नूं लख लाणत, अमरीका च, कनेडा च, इंग्लैंड च रहण नूं लख लाणत। वो कहिंदा ओए क्यों? वो कहिंदे देश तां साडा गुलाम, साडी धरती ते गोरियां दा राज, असी गुलाम, पैसा कमावांगे पिछों, पहले देश आजाद कराओ, जे तां साडा वतन आजाद हो गया, असी आ गए अपने जीवन च, तां मर्द हाँ बंदे हाँ, नहीं सातों कुत्ते चंगे, सातों जनानियां चंगियां, असी मर्द नहीं। करतार सिंह दे ठोकर वज गई, कहिंदा ओए सरदारो, आजादी लियाउण दा तरीका कोई? किसे ने कहा भी इत्थे करदयाल एमए वो जुगंतर आश्रम च रहिंदे, उन्हें गदरियां दा केंद्र तैयार कीता, गदरी सिद्धे युद्ध करन वाले, गादरी केंद्र नूं हरदयाल एमए उहदा डायरैक्टर है, उहदा लीडर है। तू चंगी चाहुंदे हरदयाल एमए कोले जा। जुगंतर आश्रम पुछ के करतार सिंह सराबा गदरियां दे अड्डे च जुगंतर आश्रम चवारे चढ़ गए। उत्थे लिखिया सी गादरी केंद्र,
बोर्ड लग्या सी। हरदयाल एम ए सी जेड़ा, ये सीता बाणिया लाला सी दिल्ली का, ये पढ़िया सी लाहौर डी ए बी कॉलेज लाहौर दे च, इन्हें एम ए पास की थी, यानी 16 जमात। एम ए पढ़ के हरदयाल एम ए अमरीका च गया सी। ये शाहूकार हरदयाल सिंह एम ए ने कहिंदा भी मैं नौकरी नहीं करनी, आ मेरे को किताब पई है, जिहड़ा पंजाबी प्यो का पुत आउंदा है खून ना दस्तखत करो, भई सिर देश नू देता, गदरिया च भर्ती होवो। उन्हें 5000 गभरू ते मटियारां अपनी किताब ते नोट कर ले सी, 5000 गदरी अमरीका च तैयार हो गया सी। साडी धरती ते नहीं सी कोई गदरी, किसी इलाके च ना किसी देश ते, सिर्फ सी कित्थे अमरीका च ब्रांच खुली सी, जिहदा लीडर हरदयाल एम ए। करतार सिंह उहदे पेश हो गया चबारे च, पर हरदयाल एम ए बीमार सी, उहनूं टीवी हो गई सी, बंदा सी फिक्रमंद हरदयाल एम ए। कहिंदा मेरा देश आजाद होऊ कदे, आ चिट्टियां कालियां पीलियां वाले गभरू पग्गां वाले कदे अपने जीवन चाहणगे, कदे मर्द अपने हक दे काबज होणगे। हरदयाल एम ए नूं गमां च टीवी हो गई, उदों लाज नहीं सी टीवी दा, किते टीवी दा मरीज बचदा नहीं हुंदा सी उदों। 30 साल होए ने टीवी दा लाज बने नूं, टीवी पीढ़ियां पै जांदी, कोलां खाली कर दिंदी। हरदयाल नूं हो गई सी टीवी, इन्ना फिक्र वाला बंदा सी। करतार सिंह चवारे चढ़ के हरदयाल एम ए पलंग ते पे है बीमार, दूए पासे नूं मूंह कीता पलंग दे, है दी आवाज दे रहा है। हरदयाल एम ए दे हथ फेफड़िया ते धरे ने, फेफड़िया नूं टीवी सी। करतार सिंह कहिंदा आ है गदरी केंद्र, कहिंदे ने गदरी केंद्र है जुगंतर आश्रम, आ इक मरीज बीमार जा बुढ़ा पिया इत्थे, बंदा एक किताब पई है, आ टुट्टी जी मंजी है, कोई समान नहीं होर, ये है गदरी केंद्र। कहिंदा बीमार जे नूं पुछ दिया, इहनूं आवाज़ देती, पैण वाले आ गल कर भाई मेरे नाल, बैठा हो। हरदयाल एम ए आवाज़ सुन के बैठा होया, उन्हें मूँह घुमाया, देखिया सराबा खड़े, हो लाल अंगार वर्ग नेत्र, कक्का भूरा चिट्टा जा रंग, लम्मा लम्मा जवान, पतला जा दाढ़ी मुछ है ना, सारे ही 15-16 साल का, लम्मा बहुत आ। हरदयाल कहिंदा मुंडा है ना काले सप वर्ग, पंजाबी है कोई है। हरदयाल कहिंदा है देखो किस काम आया, पुछदे आ काका भाई किनू मिलना। वो कहिंदा जी हरदयाल एम ए नू, वह दसो कद आउणगे। हरदयाल कहिंदा ओए पुत्रा मैं ही आ एम ए, तां मैनू हरदयाल कहिंदे। करतार कहिंदा जी तुसी हो एम ए साहब? पता हाँ बेटा मैं हाँ। कहिंदा जी फिर ऐ करो तुसी गदरिया दे लीडर हो? पता हाँ बेटा मैं लीडर हाँ गदरिया का। कहिंदा जी आ $200 मेरी कमाई है, ये थोड़ी भेटा, तन मन धन तिन्ने चीज़ां मैं वतन नूं देतियां, मेरे देश नूं भारत नूं, तन मन धन, धन तां आही है $200 ये चक्को, शरीर तुहाडे हाजर है, मन तुहाडी सेवा च, मारा मैनूं ड्यूटी दसो। हरदयाल एम ए ठंडा हो गया, कहिंदा हा हा हा, इहदा नाम है मर्द जिहड़ा वतन नूं तन मन दिंदा। हरदयाल कहिंदा काका एक गल सुन बई। कहिंदा हाँ जी दसो। कहिंदा ओए मैनूं ऐ दस पुत्र, शादी हो गई तेरी? ठोकर के वेखदे आं इहदे विच की है। कई अमीरां दे पुत्र पार्टी शामिल हुंदे ने वी किसे दिन लीडर बन जांगे, ये लीडरशिप का भुखा तां नहीं, ये कुर्सी का भुखा तां नहीं। हरदयाल एम ए नूं ये फिक्र सी, मर्द होवे तां ठीक है, कैर ना होवे
मर्दां दा दर्शन चंगा, बचन दे पूरियां दा ददार चंगा। गदार दी की जिंदगी है, गदारां दियां डारां फिरदियां ने, मर्द किते किते। हरदयाल एमए कहिंदा वे काका दाड़ी नहीं मुछनी, ओ मुंडे कुड़ी मूह, तेरे वर्गे कुड़ी मूहियां नूं मैं कर लां भर्ती। देश कित्थे आजाद हूं, इत्थे चाहिंदे आ मर्द चौड़ियां छातियां वाले, कुंडियां मुछां वाले गबरू। यार तू कोई बंदे नहीं, कुड़ी मूहां जवाक जा गया कि तू, मैं नहीं भर्ती करदा तेनू। तेनू ऐ पता थे करना की पऊ, नंगी तलवार ते नाच, फुल्लां दा ते पहाड़ां दा टकराव, लोहना कविता आवेगी। हरदयाल एमए एक ठोकर मार के वेखद, ओए मुंडिया मापे ने पढ़ाया होएगा, लगदा लंगूर वर्गा पलिया होया चंगे घर का पुत है। तेरे मापे आस करते होने मुंडा व्याहांगे, चंगी वोटी आऊगी, चंगा दान दहेज लेके आऊगी, घर भर दूगी, कमाऊगी, असी खावांगे। तेरे मापिया दियां सदरां करदे पूरियां, कित्थे आजादी कमला, कित्थे कारां दियां बहारां, कित्थे गल फांसी, कित्थे फुल्लां दे नजारे, कित्थे पहाड़ां दा टकराव। जा वग जा हुण, हरदयाल एमए ठोकर मार के सराबे नूं वेखदा कच्चा पक्का भला वी इउं कहिंदे मुक्क जाना सौदा पाड़े दी दुकान चो, पाड़े दी दुकान चो, वो चलना बनूंगा रंगले जहान चो, रंगले जहान चो। एमए हरदयाल ने तेरे वगाड़ के, ने तेरे वगाड़ के, आनखी मर्द भोलदा गुराड़ के, भोलदा गुराड़ के। तू कित्थों आया तत के बहीरू बच्चिया, बहीरू बच्चिया, तेरी नैनी उम्र पठीर बच्चिया, तू पठीर बच्चिया। नाम तू बता दे आपदा, तू बता दे आपदा, तू बता दे आपदा, लियाकत कमाल ते शकीन जापदा, तू शकीन जापदा। तेरा हौसला बुलंद बेनजीर बच्चिया, बेनजीर बच्चिया, तेरी नैनी उम्र पठीर बच्चिया, ओ पठीर बच्चिया। पार्टी गदेरे इक रस्ता कठिन, बड़ा बर्बादी दा, बड़ा बर्बादी दा, कित्थों आ गया नमाया आशके आजादी दा, आशके आजादी दा। आए गल भैने दुखा ने तदीर बच्चिया, तदीर बच्चिया, ओ तदीर बच्चिया, तेरी नैनी उम्र पठीर बच्चिया, तू पठीर बच्चिया। फंसियां दे तंत गल पाउणे पैणगे, गल पाने पैणगे, फुट पाग देश दे जगाने पैणगे, हो जगाने पैणगे। अज बातना दी सुत्ती ते कदीर बच्चिया, हो तां कदीर बच्चिया, तेरी नैनी उम्र पठीर बच्चिया, तू पठीर बच्चिया। पार्टी गदेरे इक पैड़ी चीज है, इक पैड़ी चीज है, एमए हरदयाल इस दा मरीज है, इस दा मरीज है। तेरे लगे दे सुभागती ते तीर बच्चिया, वो लगे तीर बच्चिया, तेरी नैनी उम्र पठीर बच्चिया, वो पठीर बच्चिया। अच्छ फुट गबरू जवानी मान ले, तू जवानी मान ले, बग जा करा नू राम जे पछाण ले, राम जे पछाण ले। आ फुल जे हा सुंदर शरीर बच्चिया, शरीर बच्चिया, तेरी नैनी उम्र पठीर बच्चिया, तू पठीर बच्चिया। खुशियां दे नाल शादी करवाई तू, शादी करवाई तू, मापिया दे करे रौनका लगाई तू, रौनका लगाई तू। हाँ ले मेगा बया के तशबीर बच्चिया, कोई हीरो बच्चिया, सोनी हीरो बच्चिया, तेरी नैनी उम्र पठीर बच्चिया, तू पठीर बच्चिया। लंगे पैरी पैने लंगने पहाड़ ने, लंगने पहाड़ ने, लंगने पहाड़ ने, बट जा किनारा आखे आबरार ने, आखे आबरार ने। हमें कहना जी तो सिंह दा अखीर बच्चिया, अखीर बच्चिया, तेरी नैनी उम्र पठीर बच्चिया, ओ पठीर बच्चिया। हरदयाल एमए कहिंदा जिदे तू व्याहा गया जिहा जा तू है, यही जी वोटी आ जे, लम्मी लम्मी हीर कोई तेरे घरे, जिहा जा तू रांझा ओही जी हीर। ओ बच्चिया दुनिया गीत गाऊ थोड़े, जा वग जा माण आनंद जवानी दा, नंगे पैरी पैने लंघने पहाड़ ने, किथे फुल्लां दियां छेजां, किथे पहाड़ां दे टकराव। जाओ वग जा, मैं नहीं भर्ती करदा तेनू अपनी फौज च, फांसियां दे तंद
गल पाने पैणगे, सुते भाग देश दे जगाने पैणगे। भारत की सुती तकदीर बत्तिया, साड़ी किस्मत सौगी। अपना बिगाड़ के किसी का सवारना पैंदे, बचन दे के पूर उतारना पैंदे। काका फांसियां दे तंद गल पा के बतन की किस्मत बनावांगे, जा मुड़जा मैं नहीं भर्ती करदा। मतलब की सी? जे मैं ना जोगी सपेरा सप्पा वाला काले नाग नू पैरी चों बीन बजा के उहदी पूंछ ते हथ मार दे, मुड़ जिदा मारे ना डंग घुमा के, पता कहिंदा हाँ है कुछ बिच पदम है। जे सिर सिट गया हाँ दा पीले चूहे खड़ा, इहदा की करना है। बंदे बड़े आ सी साढ़े, तो कई तो ना पदम जात दे है, शेर दिल कई बई रब ने जिहे जे साजते साजते हर दिक है। हरदयाल एम ए दे शब्द सीने च तीरां वांगू कट गए, जद कहा ना कुड़ी मूह है कुड़ी मूह है। हरदयाल नू करतार सिंह सराबा कहिंदा, कहिंदा तैनू तां मर्दां दा ही नहीं पता कहे जे मर्द हुंदे ने। हरदयाल कहिंदा काका मैनू पता नहीं, उहदा नहीं पता, कारण की है? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੜਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਕੁੜੀ ਮੂੰਹ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵਤਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਮੂੰਹ ਹਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਦੰਦ ਭੰਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਰੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ? ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਖੱਟਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰੜਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜੇ, ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਸਰਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੰਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਡਾ ਸਦਾਈ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਦਾ ਉਹ ਕਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਿਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਵਿਚੋਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੀ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਜੋੜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮੈਂ ਪਾਊਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਾਊ, ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੰਗਣਾ, ਬੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਕੰਗਣਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਰੰਗਣਾ, ਰਾਣੀ ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਸਹੁਰਾ ਜਮਰਾਜ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਮੂੰਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਡਰਾਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੌਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਵਿਚੋਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੀ ਨਾ ਦਰਦ, ਹਰਦਿਆਲ ਐਮ ਏ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੇਫੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਦ ਹਟ ਗਿਆ। ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਮਰਦ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ। ਹਰਦਿਆਲ ਐਮ ਏ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਰਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ, ਬੱਚਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੋਕਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ, ਬੁੱਢੀ ਘੜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦਵਾਨੀ ਦਾ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਠਣਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੇੜ ਤੂੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ, ਨਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਤਨ ਦਾ ਮੋਤੀ ਖਰੀਦਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਐਮ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੀਡਰ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਦਿਆਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 1913 ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਦ ਬਣੀ ਸੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, 1885 'ਚ, 1913 ਨਾਲੋਂ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਗਾਂਧੀ ਮੋਦੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਅਨਰੇਬਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਮਹਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ
ਸਾਡਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਕਿਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਜੂ, ਗਾਂਧੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜੂ, ਗਾਂਧੀ ਕਿਤੇ ਢੁੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਬਣ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਉ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਤੇਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ 10 ਸਾਲ ਫਿਰ ਨਾ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ, ਦੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਊਗਾ। ਕੀਟਾਣੂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਲਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਤਨ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਊ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੇ ਹੈ ਨਿੱਜ ਬਲ ਸੇ ਲੇ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਲਈ ਸਰਦਾਰੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਗੋਲੀ ਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਤਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗਦਰੀ ਅਖਬਾਰ। ਇੱਕ ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ, ਪਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਨਾਲੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਗਦਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖੋ, ਗਦਰੀ ਅਖਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਘੱਲਿਆ। ਉਹ ਗਦਰੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲਾਣਤ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਓ ਗੈਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰਜੋ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੱਕੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋਨੀਆਂ ਚਿਣਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਪਿਆਰੇ ਵਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦਸਾਨਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਛਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ। ਤਿੰਨ ਨਾਰੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਵਿੱਚੇ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜੇ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰੱਜ ਲੈ, ਨੌ ਸੰਤੋਖ ਸੂੰ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾ ਜੇ, ਬੇਸਬਰਾ ਕਹੋ ਕਹਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜੇਹਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਨੌ ਬੀਰੀ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ 10ਵੀਂ ਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਦਲੀਪ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰਜੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਓ ਸ਼ਰਮ ਖਾਓ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੱਡ ਗਏ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਨੇਤਰ ਪੂੰਝ ਲਏ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੂਆ ਸ਼ਬਦ ਗੱਡ ਜੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਮਾਸਟਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ। ਆ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕਾਨੀਆਂ ਬਣ ਬਣ ਖੁੱਪ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ,
मैं घायल करता जख्मी करता इन्हें। वो बीबी आदि ये कितों का कौन है ये? वो कहता बेटी लुधियाने को सराबा पिंड है ये उत्थों का। और ये रहमत है कविता बोल के एक मिनट के बाद कहती है कितों का वादा लुधियाने को कहती अजकल कि कहना अमरीका च 15,000 मील साड़ी धरती तो दूर बैठे एक चन्न बन के सूरज बन के रोशनी दे रहे। वो आदि फिर लिखा की है कहना ले सुन ले भाई सिखो सिंह का अखबार पढ़ के सुना मास्टर दलीप आ जोड़ी तुम्हें सुनाऊगी भी करतार ने की लिखा से सुनो कविता वीर तो मास्टर दलीप रघबीर बीरी करतार सिंह के शब्द के कन्ना पाँदा कहना मर्द ने आ कुछ लिखा सुन भला है हो लख लहन तबा के लिखे लेख सराबे ने लख लहन तबा के लिखे लेख सराबे ने किथे सो गए जो दे भारत मां दे प्यारे हो मिट्टी बिच मिला दी सिखो अणख पंजाब दी गलामी बाले जाने नहीं उतारे है कबजे की पी गोरिया धरती पंज दरिया बादी ठंडे प्यास चना दे मारन आवे नारे और जिने सुनहन बपारी मालक बने पंजाब ने जो दे सिख कौम दे खत्म बना दे सारे है गद्दी सिख राजड़ी पुले तख्त लाहौर दा गद्दी सिख राजड़ी पुले तख्त लाहौर दा मिट्टी बिच मला दे चिखी अर्श मनारे बिच जम रहो दे किले दे कम शहादत नलुएरी जम रहो दे किले बिच कम शहादत नलुएरी गिण के मुगल करोड़ा कला कला मारे है गदड़ों शेर बनावे अमृत बाजा वाले दा गदड़ों शेर बनावे अमृत बाजा वाले दा चिड़ियों बाज तराले कीते जो जन्यारे है कारण हिंद बैन दे कलंगी दर दुश्मेश ने माता पिता आप दे पुत्र मारे चारे है दो चमकौर गरीब च भेटा कीते वतना दी दो चमकौर गरीब च भेटा कीते वतना दी भोसर हंद जना दे चिखी महल वसारे और रानी जिंदा रुल गई दिला कट चनार दिया मैं सदके रानी जिंदा मर गई दिला कट चनार दिया राज शेर जंग दे दिली दुख सहारे है बाबू सिंह आयो दो खुशियां होन बरार नू भजन मुर्दा तनाव विच जगरण जीत नगारे है अखबार से लिखा सी कदे रणजीत नगारा पंजाब की धरती से फिर बजूगा मुद्दा मारता रणजीत नगारा शेरे पंजाब दा सिंगो कदे धरती उत्ते आवाज फिर आऊगी दानिया दे शुभ नाम सुनो हुण बीबी रघबीर नू करतार सिंह दे अखबार की जो बाशना आई तो टिकाने की गल टिकाने ते पहुंच गई उन्हें मास्टर नू अखबार पढ़न नहीं दिता अद्धा क पढ़िया जौहर चढ़ गया पढ़ते पढ़ते दे हथ विचों अखबार खोलिया मास्टर जी अगे ना पढ़ो बंद कर दो मास्टर कहिंदा बेटी तू कहिंदी सी पढ़ के सुना हुण कहनी है बंद कर दो उहदी मैं गल पुछदी हाँ अखबार ऐं दस मंगदा की है तां पढ़ी जे अखबार की कदर है तैनू वो कहिंदा बेटी अखबार ने की मंगना सी कहिंदी तां ही मैं कहा तू पढ़ना तैनू कदर ही नहीं अखबार की अखबार कहिंदा जिहड़ा मैनू पढ़े वह सिर देवे जिहदा सिर दे सकदा तां पढ़ एवें किताब थोड़ो है बाल उपदेश है भी पढ़ी जांदे
जे सिर दे सकदे वतन नू तन मन धन दे सकदे दुनिया नू तां अपनी। मास्टर कहिंदा बेटी मैं इनकलाबी नहीं हाँ, मेरे च इह जज्बात नहीं हन वी मैं सिर दे दियां। उहदी फिर पढ़ना बंद कर दे। लड़की ने की करिया, अपने शरीर विचों खून कढ लिया थोड़ा जिहा, बदन चों खून कढ के हथेली उत्ते रख के भारत मां की मिट्टी थोड़ी जी मिला के तिलक ला लिया। मास्टर नूं कहिंदी मैं तन मन धन सराबे की भेटा करता। सराबे ने तो भेटा करता अपना तन मन बदन नूं, मैं उह जे मर्द की भेटा करता अपना आप। मेरा सारा दुनिया च जो कुछ भी है सराबे दे अर्पणे। मैं तलवार फड़ूंगी, युद्ध करूंगी, लेकिन करतार सिंह सराबे दे हक विच जिन्ने मेरा स्वास स्वास है लेखे लाऊंगी। मास्टर कोलों अपना झोला उठा के घर नूं रस्ते पै गई, पर मास्टर जान गया भी शहीद हो गई। इहनूं जहर चढ़ गया शहादत दा। मास्टर समझ गया, वो कहिंदा बेटी कल नूं तां नहीं तूं पढ़न आउंदी। इनकलाबी करतार सिंह दे गीत गाउंदी, वह मुटियार अपने घर नूं आ रही है। एक कोई मेल से पुण दी नगरी, उन्हूं दस्सिया हरन प्रसोडियां जेलम दरिया चलदा एक दरिया के किनारे ते हरनपुर सोढ़ियां पिंड सी। उह बीबी दा आपदे घर नूं आ गई। इहदे पिता दा नाम सी सुखदेव सोढ़ी। सोढ़ी खानदान दसवें सतगुरां दा उस खानदान चों सी जिहड़ा उह लड़की दा पिता सी। उस अंग्रेजां दा पिट्ठू चीता सिख अमृत छक है, पर वह गदार से इंसान नहीं सी, नकली सिख सी नकली। वो लड़की जब अपने घर आई, हुण उहदा वीर सी एक बीबी बीरी दा भरा बड़ा, उहदा नाम सी सुदर्शन। वह सुदर्शन बड़ा सी, रघबीर बीबी छोटी सी। बीबी दा बड़ा भरा उहदे कोले भैन चली गई, बीबी बीरी दा भरा। वह बीबी मौत दे जलवे च आई हुई, किसे शहीद दे दर्शन करके फोटो दे डुल डुल पैंदी है, घर चली गई। जिहड़ा सुदर्शन सी बड़ा भरा, उहनूं पता सी मेरी भैन च अकल दिमाग मेरे तो ज़्यादे है। उह चौदहवीं च पढ़दा सी, बीए च लाहौर पढ़दा हुंदा। वह कहिंदा भैणे मैनू ऐ लगता जब तू स्कूलों आनी है कोई ना कोई चंगा तोहफा लियानी है, रोज मैनू कोई नवी स्टोरी सुनानी है। अज मैनू ऐ लगता भाई पता नहीं की लैके आई होवेगी, अज तेरा नूर डुल डुल पैंदा। वो भैन कहती अज मैं ऐसी चीज लियाई हाँ, बस एको ही बारी लियांदी काफी है, दोबारा लियानी नहीं पैंदी। भैने की लियाई है? कहती मैं मौत लियाई हाँ, मौत तेरी ते मेरी दोहां दी। मैं तो मौत अपनी झोली च पा ली, जे तू मर्द होएगा पा लेंगा। कहिंदा भैणे मैं खुश हाँ, तेरी लियांदी हुई मौत भी किसे कम की हो, जिन्हों ऐ नहीं पता मौत भी कम की होंदी है, मौत तो दुनिया डरती है। गुरबाणी पढ़ो, कबीर साहब वर्गे लिखते जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। मौत जीवन दस दी है, मौत नूं प्रवान करन वाले दी बंदे होणगे। मुहम्मद रफी दा एक रिकॉर्ड है, वह कहिंदा जिंदा रहने की मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। कहिंदा जिउंदा रहने वास्ते बहुत मौसम, चंगी रुत जिंद लाउण वाली नहीं आउंदी। जे कहीए भी जिंद लाउण दी चंगी रुत कहड़ी है, भला बंदगी च बैठे होइए मनोरथ पूरा कर लिया होवे, रब नूं चंगे लगदे होइए, मौत हो जाए कोई डर नहीं। बंदा भावें 100 साल का हो जाए, कई तूड़ी वाले कोठे च बंद हो जाते हैं, जवाक बाबे नूं तूड़ी वाले कोठे च बंद कर देंदे है, ते बाबा जी थुक्की जाने हो खंघी जाने हो, अजे भी मोह नहीं छड़दा हो जवाकां दा, ना तो उन्हूं दींदे ना बाबे नूं सुणदा। कईयों का सिर हलदा हुंदा कोठे तूड़ी वाले च बैठिया का, जिवें टाइम पिछदे हेठा कि ऑटोमैटिक ही चलता है, सिर जाए हलू बाबे का,
ये जवाक कहेंगे बाबा जी चाह ले आइए दुध ले आइए, उन्हें सुनता तो है नहीं बाबे नूं सिर हलदा। जवाक कहने हो देख बाबा जवाब दिंदा ये कुछ नहीं चाहिए मैनू तो भाई भुखा मरदा लियाओ तो भोरा कासे दा वो तड़फ रहा है भुखा। जवाक जाके घरे कहें मेरे बाबा जवाब दे गया भी चाह नहीं चाहिए रोटी नहीं चाहिए। जड़ा ए मर गया थोड़ी अरे कोठ जब 500 साल का होके मर जाए मौत है कुछ नहीं। वो भरा कहती है लै मैं तेनों अखबार सुनावा आ किसी मां का मोती अमरीका च बैठे एक कागज लिख के तोरे भरा भैन तैयार कर दी है देश की भगती वास्ते भलाहे क्यों कहती है हाकी तेरे अखदार कस तो हो मैं दंग मना चल बदल दो बेख जमाना बदले रंग मना होगी खुशी रकान लेख पढ़ के अखबार दा होगी खुशी रकान लेख पढ़ के अखबार दा खून अबहर खांदा सी अणखी मटियार दा हो दे तीर सार दे बोल खोल दे गंडा प्यार दिया बीरी सिवता कर दी सी गदरी अखबार दिया शब्द मोतिया वर्गे चित चराई जांदे सी याम शहीदी प्याले जोहर बगाई जांदे सी खुबड़ काल जे संगह दो तारी तलवार दिया मीरी सिवता कर दी सी गदरी अखबार दिया हिंदी उम्र न्याणी दिसदी फोटो 16 साल दा मन परवाना मौत शमानु फिर दे तशबीरा दुनिया ये सरदार दिया मेरी सिवता कर दी सी गदरी अखबार दिया होगा पर्वत वर्गा सीना केरे मर्द लखारी दा लख बार शुकराना कर दी बतन पुजारी दा हुण पला जे दर्शन दंगा दिलों ते दार दिया मेरी सिवता कर दी सी गदरी अखबार दिया हिंदी कसम खुदा दी मैं भी सुत्ता देश जगाऊंगी गदर पार्टी अंदर अपना नाम लिखाऊंगी हिंदी जड़ा पट्टी है भारत जो जालम सरकार दिया मेरी सिवता कर दी सी गदरी अखबार दिया हिंदी मेरा पिता चंडाल तरोही बन गया देश दा अंग्रेजा दा पिट्ठू सिख गुरु दशमेश दा जंदे बाकी अटल ताकता हत्तों पार दिया बीरी सेवता कर दी सी गदरी अखबार दिया ओने रख परे अखबार ने तेरों नीर बहाउंदी है कदों मिलू करतार बरारा दर्शन चाहुंदी है जीत सिया परवारा दोदिया दे पर जार दिया कर दी सी गदरी अखबार दिया। भैन ने वीर नू सारा हुलिया दस्या आ बंदे अमरीका च बैठा है इहदा नाम करतार सिंह है सराबा इहने तन मन धन देश नू देता। ओह कहिंदी वीर मैं अपना तन मन धन इस सराबे नू देता भरावा तेरा की ख्याल है। कहिंदे भरा सुदर्शन एक तो चार हो गया फुल के कहना भैने तेनू मर्दां दे शब्दां दी कदर है तू बंदियां दी कीमत जानदी है मैं खुश हाँ जिहड़ा तैं तन मन तन सराबे दी भेटा करता ते मैं भी इसे दी भेटा करता। उधर तां जथेबंदी तैयार होण लग गई इंडिया च हजारों थावां ते अखबारां ने दुनिया जगाई उधरों करतार सिंह भी अमरीका चों विदा हो गया। एक होर बेनती है 5000 बंदा नहीं चलिया सी पार्टी के जथेबंद होने वेले कोई होर स्कीम होंदी है पूरा उतरदा कोई कोई ऐ कहिंदे है वी 3000 बंदा अमरीका विचों कोरिया जहाजा च समान लैके इधर नूं चल पिया। हरदयाल एम ए नूं अंग्रेजां दा हुक्म सी वी इह सारी जिंदगी मुड़ के पंजाब नहीं जा सकदा इंडिया नहीं जा सकदा उह तां रसिया नूं तुर गया सी। हरदयाल एम ए तां रशिया जाके मौत होई उहदी क्योंकि टीबी दा मरीज सी उह। एक सी सोहन सिंह भकना एक सी रास बिहारी बोस बंगाल का डॉक्टर मथुरा सिंह ढुड्डी ढुड्डीवाल का तरन तारन को निधान सिंह चुगे कलां का
कई लीडर चंगे चंगे ये पार्टी लेके इधर नू चल पे। इन्होंने लंका चा के उतारा कर लिया, पर आए गुफिया बंब ग्रनेड चक्की आउंदे आ। इन्हां दा बचार ये सी भी आपां ने शांति तो रखनी नहीं, पार्टी का नाम है गदर पार्टी, तलवारां चक के अंग्रेजां दीआं धौणां ते धरांगे खंडे, मरांगे जां मारांगे, देश आजाद तलवार नाल करांगे, ये सी इरादा इन्हां दा। होर आउंदा करतार सिंह अपनी फौज लैके गुफिया लंका च आ गया। श्रीलंका दे टुकड़े च जदे पार्टी आई, एक उत्थे होर बैठा सी लंका च, ए इलाके दा ते उस इलाके दा एक अंतर है, थोड़ा जिहा भेद है। वो जिहड़ा एक होर पार्टी बैठी सी ना लंका च पंजाबियां दी, वो गदरी नहीं सी। किताबां पढ़न वालियां नूं पता है, वो तुसीं सुणदे होवोंगे कदे कौमा गाटा मारू, एक जहाज दा नौ सी कौमा गाटा मारू, वो जहाज सी इटली दा, सरेहाली पिंड लुधियाने कोले है, अमृतसर तरन तारन कोले सरेहाली। सरेहाली दा बंदा सी इक गुरदित सिंह, वो 350 बंदा लेके इंग्लैंड गया सी, अंग्रेजा ने बड़न ना दिता उन्हूं मोड़ता, वो भी लंका च बैठा सी फेल होया। जद आया करतार सिंह सराभा लंका च, उन्हें कहा भई इन्हां नूं किराया दिओ, इत्थे गलती होई कि तो करतार सिंह सराभे की पार्टी तो गदरियां तो। इन्होंने उत्थे नारा लाया, इन्होंने कहा भी अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद, गदर पार्टी जिंदाबाद। जब इधर नूं निकले ना साडे बन्नी नूं लंका चों, नारा लाता इन्होंने, वो जरा पहली बारी अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद की आवाज आई। साडे दिल्ली के तखत ते एक लार्ड हार्डिंग बैंसराय बैठा सी, लार्ड हार्डिंग अंग्रेज आ बैंसराय सी इंडिया का, उहदे कोले टेलीफोन पहुँच गए भी अंग्रेजो तैयार हो जाओ, थोड़ी मौत करन वास्ते गदर पार्टी अमरीका चों आ रही है, लंका चों चल पई भारत वल, तड़ कुठे गोरे ते हुण की बनूंगा। इन्होंने ऑर्डर करता भी कलकत्ते दी बंदरगाह नूं पार्टी आ रही है सराबे दी, उत्थे फोर्स ला दो, एक बंदा जिउंदा ना जावे इन्हां चों, अगर जिउंदे इंडिया च आ गए तां देश आजाद हो जाऊ, अंग्रेजां दी हकूमत मिट्टी च मिला देणगे, कि नहीं छड्डदे। ये गांधी दी पार्टी नहीं है, शांति दे पुजारी है, इहदा तलवार दी नोक ते नच्चण वाले है। गांधी नूं जे कहीए भी माड़ा चंगा, बई उस नूं पहले दस्सिया, एक तां कौम सेठां दी लाला ते दुध बकरी दा पीवे, वो कहिंदे कुदरत ही ना, एक कहिंदे सेठाणी लाली रोटी पकावे ते कुत्ता आके खाण लग गया, लाली रोटी पका के सिट दे ते डब्बा जिहा कुत्ता बड़े सारे सिर वाला वह आके खाण लग गया, लाली हटावे ना उन डरदी ते बड्डूगा दादे नूं होणा सिर खराब है इहदा, ते ना हटे रोटियां पकाउणों भी हटी तां भी बड्डूगा, वो आदी जान किवें छड्डावां, कुत्ता नाले खाई जावे नाले लाली गरी झाकी जावे नाले छकी जावे बैठे। वो हुंदी आखर नूं सियाणी कहिंदी देखदे आं भला जे हट जे, करड़ा जिहा दिल कर लिया सेठाणी ने, कहिंदी आ पुट ऐं करता भी देखा भला कुत्ता उदू बिकदा होया, उहने तां कहा कुत्ते आ कुत्ता कहिंदा नाले छकी गया, वो जान की भी काबू च नहीं आउंदा, कहिंदी मैं तां ऐं पुछिया तैनूं भी किन्ना काटा होर गुन्ना, शकल है डब्बू शकल है, मैं हटाउंदी नहीं तैनूं मेरा शेर है, पका के सिटी जा भी सारी छक गया। कहिंदे देश आजाद गांधी ने कराता, मां कोई साडी कुड़ी हुंदी जट्टां दी ढूफा ना भन्नदी मोगरी मार, कुत्ते रोटियां खा जे भला, उहनूं आदे जी गांधी ज्यों चक्या चरखा उहदा तहीं चाड़ता। जद पता लग्या अंग्रेजां नूं बई गांधी महात्मा नहीं करतार सिंह सराभा आउंदा है, फिर फौजां बंदरगाह ते डोईआं, ते देश भगत तली ते जान धरी नारे लाउंदे आउंदे आ, कहिंदे जां मरांगे जां मारांगे, गोरियां दा डंडा टुकांगे। जद आए ना बंदरगाह ते बई सिखो जिहड़ी हालत फिर हुंदी आ देश भगतां दी, ओ होई क्षमा
जगदी है, परवाना उते सड़द है। ये परवाना शमा ते आ गया, दीवे ते उते फंग जे मच गए, थले डिग पिया। जे उड़न जोगा है तां भी उथे नू जाऊ दुआरा। नहीं नहीं कहते भी सौरी ने पहला फंग जे फूकते तड़फते, नहीं नहीं वो इश्क है, उथे जरूर जाके ओनू कहते है। लो आ कविता सुनो एक वीर तो, बई शमा दे परवाने कलकत्ते की बंदरगाह उत्ते भला किवें सड़दा शमा, उत्ते करतार सिंह की फौज उत्ते गोली है। पिछे एक जहाज कोरिया लग्या, जिदे पिछों भज भुज के 150 आ गया, 200 फड़िया गया, 350 बाकी सब खत्म। पहले दिन मौत की भेटा हो गए। जेड़ी पार्टी सिरण ना देवे, सिदक ना छड़े, मर जाए भाई मर जाए, मर के की पार्टी मुकदी है। संत जरनैल सिंह जी कल्ले सी, घर घर च पैदा करता, भावें दुनिया उन्हें ना कारण की सी। जिस इंसान का सिदक गया वह गया, सिदक तो बाद बंदा जिंदा, भावें वह शहीद हो गए।
करतार सिंह सराभा धरती ते आ गया, रास बिहारी बोस बंगाली आ गया, निदान सिंह डॉक्टर मथुरा सिंह इन्होंने की किया आके दिल नहीं सुटिया। इधरों तक करतार सिंह नू बीबी बीरी भालदी है, सुदर्शन भालदे, लखां मर्द भालदे, किथे मिलूगा। अंग्रेजा ने कहता जे कोई बंदा मिल जे गदरिया का गोली मारो, कोई मुकदमा नहीं। लुक के रहन लग गए जंगलों च, पर दो फैक्ट्रियां लाइया, एक तो लोहट बद्दी मलेरकोटले को फैक्ट्री लाई उजाड़ा रोइया च, एक लई लुधियाने को झाबे आल, बंब तैयार करने शुरू करते। कहते हाथ पावे गोरियां नू, पावा 150 ही रह गए, 200 कैदी है। मर्द कहने थोड़े होंगे, शेरां दियां डारां नहीं हुंदियां, कल्ला कल्ला ही हुंदा बणी जिथे बुकदा। आहा, भाई गुरदास कहिंदा सिंघ बुके मिरगावली, फिर भज लैंदे आ मिरग, पंजाब बुकदा शेर बणी च, किते मिरग खड़ करनगे शेर मूहरे, कल्ला ही बहुत है, मर्द थोड़े ही हुंदे। सेंट सेंट दे टोभे नहीं भरे हुंदे, शीशियां तो बंद हुंदा थोड़ा जा, छप्पड़ा थोड़ो पानी भरया खड़ा, सेंट का मुकाबला छप्पड़ा का पानी कर दू। दस्या नहीं मरदा लोगों के रेंदे बोल निशानी, जो कहता कहता सिर दी आ सिर रंगा दी आ अर्ज। इन्हां गोरियां ने जो धरती उत्ते कब्जा किया, इहदे खिलाफ बंब बना के तैयार करके पार्टी फिर तैयार होगी। इत्थे दस्सिया तीन डाके मारे तराबे ने, एक बंदे वाली गल सुन लो, डाकू तो होंगे ने बहुत, पर डाकुआ का भी कुछ स्टैंड होंगे। आ थोड़ी धरती दलवारा छन्ना वाला साडा गुआंढी धनपुरे 12 साल रहा, कोई कहूगा भी किसी लड़की नू धी भैन नू किसी गरीब नू सताया, चार उगाइया दे रहे है, डाकू सी। कई डाकुआ का स्टैंड इन्ना लूज कुत्तिया तो भी पैड़े, कोई नौ लेंदे उन्हां दा, दलवारे की पूजा जे घर घर हो रही है। ते मर्द सी कोई 12 साल रहा थोड़ी धरती च। अर्ज करतार सिंह सराभे ने भी तीन डाके मारे, पर पैसा ना मिले। तीजा डाका खुशी राम सेठ सानेवाल के घर मारिया जाके, फिर ना पैसा मिले। लाला बथेरा कुटिया मारिया, वो कुटते मारते नहीं थे, ऊँ तो फता हड़जा करते। मैं दसन लगे सी डाकू बन के एक अमरजीत हुंदा करतार सिंह सराभे नाल, उहदी कुछ नज़र बदल गई। खुशी राम लाले की सपुत्री ते लाली, वह लड़की वल थोड़ा जिहा आउट वेख्या अमरजीत ने, सराभे नूं क्रोध आ गया, उठा के पिस्तौल उहदी छाती कोल ला के अमरजीत दे, 22 साल का अमरजीत, करतार सिंह 16.5 साल का, वह कहिंदा ओए लड़कियां वतन दियां भैणां, वतन दियां बच्चियां साडियां भैणां ने, ये तेरी अख चो शर्म किधर गई, इधर ऐ क्यों वेख्या तैं, तैयार हो गोली आउंदी है। अमरजीत जान गया भी मारूगा मैं, उन्हें चरना ते सिर रखता राबे दे, वीर गलती बंदे तो हो जाती है, माफ कर दे। वो लाली सारा सीन वेख रही है, वो लाली कहती आ है किसी मां का मोती, चढ़ती जवानी हंस वर्गा गभरू अणखदा भरिया हो, इन्नी शर्म ते हजा मर्द, डाकुआ च काबिलियत नहीं होंदी। वो लाली दे दिल च भांबड़ प्यार दा मचिया, करतार सिंह नूं बुक्कल च ले लिया, वो सट्टां फेटां मारियां दे दर्द भुल गई। बेटा तू डाकू तो नहीं है, तू तो कोई योगी है, तू तो कोई महात्मा है, तेरा नां की है पुत्र? सराभे दे खिसे खून निकलिया पराग च नेत्रां चों, मां मैं डकैत नहीं, मैं इनकलाबी हाँ, वतन आजाद कराने वास्ते फैक्ट्री चलानी सी माया नहीं। लालिया दी फिर 2 मिनट ठहर जाके गल्ला खोल के 13 सिर पक्का सोना दिता, पदी कुटिया मारे तो मैं 5 पैसे नहीं दिते सी, पर तेरी अजे भेटा पूरी नहीं, सिर दे दिए तां भी घट है, कीमत तेरी। उन्हूं आदे फिर एक दिन बन्ने इन्हां ने बई 13 तरीक नूं 1914 आपां इस तरह झंडा गदरी चाढ़ देंगे। उन्होंने 5 किसे छाउनी 10 किसे छाउनी बंदियां नूं कह के छाउनियां दे फौजियां नूं समझाता,
फौजी भाई जवानों साडे गोली ना मारियो, असी गदरी छौनिया छौनिया च बड़ांगे। सारे पंजाब च तकरीबन 30-35 फौजी अफीसर कमांडर अंग्रेज होंदे, लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल ब्रिगेडियर, ये तो थले सारा पंजाबी सूबेदार तक। वो किसे छौन च थोड़े किसे च बहुते इरादा करदे वी छौनिया च वड़ जांगे। इक्को ही दिन पंजाब दे अंग्रेज खत्म करके लाहौर के तख्त पर कब्जा करांगे, ला के सारा पछमी पाकिस्तान, साडा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, एडा बड़ा पंजाब सी दिल्ली तक ये कब्जे कर लांगे। बड़ी सोहनी स्कीम सी, कारण की गदार विचे हुंदे भारतीयों दे। एक कृपाला बेईमान, उन्हें सारी रिपोर्ट अंग्रेजों नूं समझाती। जेलम दे डीसी दा चेला सी, मलकपुर पिंड है, एक जेलम दरिया के किनारे ते टुआने टुआना गोत है, उत्थे मलकपुरी टुआने सरदारां ने वो कृपाले नूं मुठ्ठी च लैके जेलम दे डीसी दे पेश करके सारी रिपोर्ट दसती भी 21 तरीक नूं गदरी छौनिया च वड़नगे तड़के दे 4 बजे, सूचित करता। अंग्रेजां ने उत्थों फौज बदलती, डिप्टी डीएसपी एसएसपी थानेदार ये लाते, इन्हां नूं कहता भी डकैत आउणगे अज 4 बजे 21 तरीक नूं। ऐ नहीं कहा भी गदरी आउणगे, गदरियां ने आख्या फौजियां नूं कहा होया साडा चुप चाप जाके छौनिया च वड़ जांगे, अंग्रेजां नूं नाश कर देंगे, फौज सांभ लांगे सारे। जद गए गोली छूट हो गई पुलिस की, क्या सी अंग्रेजा ने डकैत आउणगे। इस भुलेखे च मौत सब दी हो गई, 13 बंदे बचे गदरी बाकी सफाया पार्टी का, 13 भी भज नठ गए। रास बिहारी बोस बंगाल नूं तुर गया, डॉक्टर मथुरा सिंह काबल नूं निकल गया, एक हरनाम सिंह, जगत सिंह, करतार सिंह, ये तिने बेचारे ठोकर खाते घूमते घुमाते उस स्कूल च आ गए जिहड़े स्कूल च बीबी बीरी अखबार पढ़ के गई सी, पिंड भल्लोवाल च जेलम दे नेड़े। मास्टर ने फोटो देख लिया भी आता करतार सिंह सराबा आ गया, वो बांह फड़ के अंदर ले गए। मास्टर कहिंदा काका सेवा दस, मैं तैनूं पछाण लिया तू करतार सिंह है, वो आता हाँ जी मैं उहो ही आ। करतार सिंह कहिंदा एक सेवा है, इत्थों 2 मील पिंड ढूडी वाले उत्थे दा एक डाक्टर मथुरा साढ़े बंब ग्रनेट सामने का इंचार्ज है, उहदी बीबी सरैन कौर कोलों घरों जाके बंब ग्रनेट लियाउणे है, जेलखाना भन्नांगे लाहौर का, 13 बंदे रह गए, असीं कढ़ांगे सारे कैदी जेलखाना भन्न के। एक बोरी ग्रनेटां दी मिल जे जा डाक्टर मथुरे दे घर जा। मास्टर नूं पाला चढ़ गया बेचारे नूं, मास्टर कहिंदा मैं नहीं जा सकदा उत्थे, जे बंब ग्रनेट मंगाउणे आ, एक कुड़ी इत्थे पढ़ के गई है, 9 दा बीरी है और तेरी सेवादार है, हरन प्रसोडियां 1 मील पिंड है, मैं उत्थों लिआउणा, उहदा बाप तां धोखेबाज है। मास्टर भज्जिया, वह बीबी नूं लिआया, जद कहा ना बीबी बीरी नूं मेरे घर बैठा करतार सिंह, चाह चढ़ गया, भरा भैण दोवें आ गए, दर्शन किया। करतार सिंह नूं एक गम हो गया, वो कहिंदा तेरा बाप तो बीबी देश भगत नहीं है, देश का दुश्मन है, पिठू है अंग्रेजों का, सिफतां करियां सरू वर्गा कद आके जो जकारा छड़िया वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह का आवाज आया। करतार सिंह कहिंदा बच्ची तो शेर दी है, कोई सुंदर शकल है, दोनों भैन भरा खड़े है। हुण करतार सिंह कहिंदा लिहाज की लोड़ नहीं, जिहड़ा बंदा पहला मिठा बोल के पिछों धोखा दे जे वो ठीक है, कि है कुलदीप मानक ने गोली मारो यहो जे बनौटी यार दे, वादा ऐसी ना होवे किते। हुण ठोकर के वेखदा है, वो वादा एक म्यान च 2 तलवारां नहीं पैंदियां, एक तां वतन ते जिंद लाउण वाले, एक वतन दा लहू पीण वाले, बाप पिट्ठू सरकार दा, बच्चे वफादार वतन दे, हो नहीं सकता। हुण करतार सिंह बीबी बीरी नूं ठोकर के पुछदा किते मौत ना साडी कर दी भला, हे क्यों आ। हाँ हस के ते कहे सराबा लड़की रघुबीर नो, तकया मैं पहली बारी तेरी तस्वीर नो, भतना दी के मैं जगाइए सुती तकदीर नो, ओखे ने नंबर लेने खदरी अमत्यान दे पैन ना दो तलवारा अंदर एक म्यान दे
ਮਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਬਣਨਾ ਪਊ ਚੋਰ ਨੀ ਥੋਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਪਹਿਣਨਾ ਧੋਤਲਵਾਰਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਪਹਿਣਨਾ ਧੋਤਲਵਾਰਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਲ ਤੇਰਾ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਲ ਤੇਰਾ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢੋਲੇ ਨਾ ਖੂਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਲਸੇ ਗੁਦਾਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਨ ਦੇ ਪੈਣ ਨਾ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਲਨ ਦੇ ਪੈਣ ਨਾ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹ ਚੱਲੋ ਤਰ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਬਦਲੋ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੱਲੋ ਤਰ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਬਦਲੋ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣ ਸ਼ਮਾਨ ਤੋਂ ਮਿਹਣਾ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਅੜੀਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਸਾਂ ਦੇ ਪਹਿਣ ਨਾ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਪਹਿਣ ਨਾ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਟੱਕਰ ਹੈ ਕੋਮਲ ਕਲੀਏ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਨਚਾਉਣੀ ਕਰਨਾ ਕਮਾਲ ਨੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਨਚਾਉਣੀ ਕਰਨਾ ਕਮਾਲ ਨੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊ ਮੌਤ ਬਹਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਊ ਖੂਨ ਬਹਾ ਕੇ ਵਤਨ ਬਹਾਲ ਨੀ ਕਰਕੇ ਨੀ ਕੌਲ ਹਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਦੇ ਪੈਣ ਨਾ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੇ ਪੈਣ ਨਾ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੱਥੇ ਦੀ ਦਮਕ ਬਰਾੜਾ ਹੈਜ ਜੋ ਪਾਣ ਦੀ ਮੱਥੇ ਦੀ ਦਮਕ ਬਰਾੜਾ ਹੈਜ ਜੋ ਪਾਣ ਦੀ ਜੀਤ ਸਿਆ ਧੀਰ ਜਾਪੇ ਨਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬਾਬੂ ਸਿਆਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਨੈਣੋ ਰੁਕਣ ਦੇ ਭੈਣ ਨਾ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਭੈਣ ਨਾ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੋਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਰਦ ਦਾ ਮਾਜਨ ਹੈ ਓਨੀ ਕੁ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ ਅਰਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਮਾ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਟ ਕੇ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਦੀ ਹੋਏ ਸਰਾਬੇ ਜਦ ਤੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰਦਿਆਲ ਐਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਵੇਖੀ ਸੀ ਕਦੇ ਉਹ ਆਦਾ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮੌਤ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਆਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਹੋਵਾਂ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਮੰਗਦੀ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਏ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੀ ਆਸੇ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਨੈਣ ਦੀਵਾਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਵਤਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਲੇਖੇ ਸੀ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੱਗ ਦਊ ਵਧਾਈਆਂ ਪਲਕ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਦੀਵਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਵੜ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਲਾਏਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਾਊਂਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜ਼ਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਗਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ